राजनामा राज दुनिया के साथ में प्रिया कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चार्टेड प्लेन की भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है प्लेन में तकनीकी खराबी आई थी सोनिया राहुल इस प्लेन से बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे थे करीब डेढ़ घंटे भोपाल एयरपोर्ट पर रुकने के बाद दोनों रात नौ बजकर मिनट इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए राहुल और सोनिया भोपाल एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में रुके रहे इस दौरान भोपाल के कांग्रेस नेताओं ने वहां पहुंचकर उनसे मुलाकात की पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचोरी कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा कुणाल चौधरी आरिफ मसूद और शोभा ओझा समेत कई कांग्रेस नेता एयरपोर्ट पहुंचे थे सोनिया राहुल गांधी मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक में शामिल हुए इसके बाद शाम को निजी प्लेन से दिल्ली लौट रहे थे बेंगलुरु से दिल्ली जाने के लिए विमान भोपाल के से गुजरता है दिल्ली जाने के लिए वीआईपी लाउंज से निकले इस दौरान उनकी डिपार्चर सिक्योरिटी चेकिंग की गई एटीसी सूत्रों के मुताबिक जिस प्राइवेट जेट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे थे उसमें प्रेशराइजेशन फंक्शन में पायलट को कोई गड़बड़ी पता चली, जिसके बाद भोपाल एटीसी से लैंडिंग को लेकर बात की गई। इजाजत मिलने पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई। सोनिया राहुल से मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बताया कि जिस प्लेन से वे दिल्ली जा रहे थे उसमें ऑक्सीजन का कुछ इशू हो रहा था इसलिए कराई गई। बाद में एक्सपर्ट की सलाह पर वे उस फ्लाइट से न जाकर इंडिगो की रेगुलर फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए पीसी शर्मा ने बताया कि चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक की तरह यूनाइटेड होकर लड़ेगी पीसी शर्मा ने कहा कि हमने उनसे पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला सतपुड़ा की आग सीधी का मामला और महंका लोक के मामले डिस्कस किए हमने उन्हें बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में आंदोलन भी किया गया इस दौरान भोपाल के जिला अध्यक्ष को गंभीर चोट आई है वे मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है भोपाल एयरपोर्ट पर राहुल गांधी ने नाश्ता भी किया उन्होंने समोसे की डिमांड की जिसके बाद बेरागढ़ के कांग्रेस नेता सोनू तोमर से समोसे मंगवाए गए वे गांधीनगर से समोसे लाए और राहुल गांधी को दिए धन्यवाद